भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करके आज का भारत गर्व किया। बारदोली की एक महिला ने उन्हें सरदार के रूप में पहली बार सम्मान किया। इसके बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। सरदार का मतलब एक सच्चा नेता होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ था और 1950 में उनका देहांत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह 182 मीटर है। लगभग 3000 करोड़ खर्च किया गया इसे बनाने में। इसे बनाने में लगभग 5 साल लगे। ये 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में पूरा हुआ। इस प्रतिमा को बनाने के लिए 250 से अधिक इंजीनियर और 3500 मजदूर शामिल थे। इस स्टैचू 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन स्टील बार, 6,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 टन पीतल से बना है। इसे पद्म भूषण विजेता मूर्तिकार राम बीसोतारीस का डिजाइन किया था, जिन्होंने 50 से अधिक स्मारकों को डिजाइन किया है। ये लगभग 2 गुना स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आकार का है और स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की तुलना में 40% लंबा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वडोदरा से 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा दोनों वडोदरा में स्थित हैं।